अस्सलाम वालेकुम दोस्त भाई सब व्यूअर, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं। मैं हूँ शफकत हुसैन। तो क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ। वीडियो आज की जो आप लोगों के साथ ओल्ड मॉडल 3 आदद हैं हमारे पास काफ़ी अच्छे, और फिर उसके बाद एक यहाँ से शुरू करते हैं। ये है मीडिया स्टार गज़ल। अच्छा, तो ये वैसे भी नया जो है, ये एक तो इसमें 1 साल का इसमें कंपनी ऑफ़र बगैर डिश के भी और डिश के साथ भी, जिस आप समझ रहे होंगे। तो बाकी दूसरी बात यह है कि ये बिल्ट इन वाईफाई है। तीसरी बात यह है कि ये डॉल्बी सपोर्टेड नहीं है। तो अब आगे एक और बात भी है, क्योंकि ये खुद है ओल्ड में जो है, और ये रिमोट है और इसके साथ अडेप्टर है। वाई फिट एंटीना होता नहीं है, रिमोट ये है इसके साथ बिल्कुल ठीक है। और इसकी ये इसकी कीमत क्या होनी चाहिए? अक्सर दोस्तों के साथ इस शेयर करते रहते हैं, नए भी अनबॉक्सिंग कीमत प्राइस अपडेट देते रहते हैं ताकि अपडेट से पता चलता है। अच्छा, फिर इससे क्या पता चलता है? H265 है, ये बेस्ट है। और बाकी इसमें एक ये है कि इसको क्या 1200 का लगाएं, और एक्सपायर है इसमें सब चीज़ें, और ये प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम के हिसाब से क्या इसको, क्योंकि आप लोगों तक पहुँचाने का कुछ ये चीज़ें होती हैं तो ख़र्चा वगैरह हो जाता है। 1500 का ये है इस हालत में, तो इसमें प्रॉब्लम जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने लगे हैं, क्योंकि ये रेड लाइट पे है, डबल डिस्प्ले है, यहाँ पे इसकी डिस्प्ले आती है। अभी ये मैंने स्विच इसका लगा दिया है, ये देखें, और ये ऑन हो रहा है। और कहने का मकसद है ये इस तरह ठहरा रहता है। अच्छा, फिर दूसरी बात एक और भी है, क्योंकि मकैनिक मेरे चैनल पर काफ़ी हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, लेते हैं, बनाते हैं, और यहाँ तो ये देखें इस तरह हो गया, लेकिन एलईडी के ऊपर इस तरह नहीं होता, तो डिस्प्ले उसकी नहीं आती। अच्छा, मुझे मैं हैरान हूँ अब क्यों आ गया, यहाँ पे तो आ गया, ये ऑफ पे ठहरता था, लेकिन बहरहाल है। तो फिर यही बात है, अब मैकेनिक को भी जहाँ जिसकी शहर में होता है दिखाता ज़रूर है, तो वो यहाँ पर सील है, खुला हुआ है, और जहरी बात है इसका बोर्ड छोटा सा होता है, क्यों ना लंबी हो जाती है विंडो, वो भी शेयर कर लें उसको, ग्रिपे हैं खोल के। तो बस बाकी क्योंकि इसको वैसे इसको 1200 का लगाते हैं, लेकिन क्या करें, क्योंकि करना ये है कि अडेप्टर है, आप देखें ओरिजिनल है, अब 200-250 में ये हो जाता है। और फिर मज़े की बात ये है कि अब पूरी वीडियो यहाँ ना हो जाए, एक डर भी है। ये ठीक है, रिमोट है अच्छा, और ये रिमोट की काफ़ी वैल्यू है, और 500-600 का ये भी है। फिर उसके बाद ये चीज़ है, तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा खोल के भी लास्ट में दिखाते हैं इसके यहाँ, क्योंकि ये है टाइगर टिटन प्रो, और इसका रिमोट काफ़ी अच्छा, और फिर ये खुद भी अच्छा, और ये ठीक है, और फिर 1 माह ये यूज़ पूरा भी नहीं हुआ अभी तक। अभी है कि बस आदमी लेते हैं, फिर उसके बाद 4K की रेंज में ले जाते हैं, फिर कोई ना कोई चीज़ ऐसा, कोई रिसीवर नहीं है जिसमें सब चीज़ ही अच्छी हो, तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, तो वाह भी वाह घूम भी रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना डोल भी सपोर्टेड है ये, और फिर आगे हम इसका कुछ ज़रूर चेक करते हैं। ये चेक करें, ये खुला हुआ नहीं है, बिल्कुल ठीक है, फिट है, और फिर उसके बाद ये डोल भी सपोर्टेड तो है, और बिल्ट इन वाईफाई नहीं है, तो उसके लिए इसके साथ क्या क्या एक्सेसरीज जो है। ये रिमोट बड़ा कमाल का है, इसका अच्छा रिमोट है, और ये देख सकते हो ये रिमोट तो काफ़ी अच्छा है, और ये देखें ना ओरिजिनल रिमोट है इसी का, और क्योंकि SER या टाइगर वालों का ओरिजिनल ही है। बाकी कंप्लीट सामान है, नहीं है भाई फिर एंटीना। अच्छा जी, चलो होना चाहिए था, क्योंकि जिससे मैंने लिया उसने बोला है कंप्लीट सामान है, लेकिन नहीं है। अच्छा खैर, क्योंकि अभी मैंने खोला है, ये चीज़ें हैं। और फिर इसकी थोड़ा सा इसका मीनू शेयर कर लेते हैं, फिर इसकी कीमत क्या होनी चाहिए? थोड़ा दिन चला हुआ है, खुला हुआ है नहीं। अब ये रहा जो इसका भी मीनू चेक कराते हैं, ये ओल्ड है, अब इसको ये आप है ठीक, चल ठीक रहा है। बैक साइड में ये देख सकते हो डबल ट्यूनर में, ये ओल्ड मॉडल है काफ़ी, इसमें कोई नहीं होता सर्वर वगैरह, और क्योंकि वैसे ठोस है, क्योंकि इसीलिए तो 1500 का होना चाहिए, क्योंकि इसके साथ एक रिमोट भी है। इसका फ्रंट ये देखें गुजारा है जी जैसा है, और बाकी ये देख सकते हो, और ये जो चेक कराते हैं इसका भी मीनू, ये रिमोट है इसके साथ, वैसे इसके साथ लंबा सा रिमोट और होता है, लेकिन इसका बटन काम करते हैं, ये FT का है। तो बहरहाल ये चीज़ें थी, तो ये 1500 को मैंने जैसे बताया, खोल के बता देता हूँ मेरे भाई, ये खुला हुआ है जैसे कि मैंने बताया, करीब वाला रिपेयरिंग हो या ना हो दिखाते ज़रूर हैं, वो इसमें काफ़ी इसके साथ जंग की है, और ये देख सकते हो, और इसमें बरोदा वगैरह ये देख सकते हो। तो मतलब कहने का ये है, जिसको समझ आए या फिर ना आए, लेकिन वो
कुछ ना कुछ चीज़ों को छेड़छाड़ करते हैं, क्योंकि है तो इसका सर्किट ही, बाकी तो ये ठीक है, ये इस तरह का मतलब है। अब क्या कह सकता हूँ, तो क्योंकि अब ये चीज़ों में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, किसी दोस्त के पास एस जैसा पड़ा हुआ होता है मीडिया स्टार का कोई भी मॉडल, उनमें कुछ चीज़ें हैं जो बाज़ार में नहीं मिलती, तो शायद इसमें वो चीज़ काम आ जाए, को इस हिसाब से फिर अडेप्टर और फिर ये ज़िंदा है। कहने का मकसद यह ठीक है, अडेप्टर और फिर रिमोट, और ये अपने दौर को तो अच्छा है, लेकिन इस टाइम बस एक आम गुजारे वाला वसीला समझ लें तो फिर यहाँ पे झरी भी है, HDMI लगी है, फिर भी है। अच्छा चलें, फिर जो चीज़ है तो 1500 में इतना ही इसकी कीमत, फिर भी बात वही है, होना 1000 का चाहिए, लेकिन क्या करें, वेट। ये है तो मिनी, लेकिन औकात में बड़ा है। कहने का मकसद यह है H265 है और फिर काफ़ी अच्छा, और यहाँ पे सेटेलाइट तमाम तर हैं, नहीं तो फिर ऐड के ये बटन हैं, और फिर उसके बाद डिग्री बिल्कुल इसको मुकम्मल दें, और नाम भी कोई हो तो बहरहाल काफ़ी अच्छा आपका फेवरेट इसमें सर्वर। और फिर उसके बाद इसकी कीमत प्राइस है 4800, और रिमोट की कंडीशन वाइज बिल्कुल नया है। कहने का मकसद है थोड़ा सा यूज़ हुआ है, 11 मंथ से ऊपर बाकी है।